सुमित सिंगला क्योट्रेक ग्रुप व अमित सिंगला वेलफेयर सोसाइटी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था बन चुकी है। वैसे तो बद्दी नालागढ़ में बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं जो CSR के तहत कई सामाजिक कार्य करती है, मगर लगातार कई बरसों से जो सोसाइटी समाज के हर तबके के साथ जुड़ी है वह केवल मात्र क्योट्रेक ग्रुप की ही सोसाइटी है। क्योट्रेक ग्रुप के मालिक सुमित सिंगला के इस जज्बे को देखकर देश की कई सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं ने कम से कम 800 से ज्यादा सम्मान अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। क्योट्रेक के मालिक खुद ग्राउंड पे मजदूरों के साथ खड़े होकर हर सामाजिक कार्य को पूरा करवाते हैं। वृक्षरोपण में अब तक रिकॉर्ड तोड़ लाखों पेड़ लगा चुके हैं, कई पार्क लोगों के लिए बनाए गए हैं। इस कड़ी में ही अब BBNDA में अभी जो काम क्योट्रेक करने जा रही है उसमें फव्वारा आई लव बद्दी का आइकन स्थापित किया जाएगा जो कि BBN खुद करेगा, मगर उसका रखरखाव उसके आसपास का सारा क्षेत्र क्योट्रेक ग्रुप सौंदर्यकरण करेगा। ब्लड कैंप, कोरोना काल में आमजन की मदद, सरकारी कर्मचारी सेवा में मास्क, कोरोना किट, गरीबों को पेट भर खाना इत्यादि बहुत सारी सेवा कार्य के कारण आज ऐसा ना जो बद्दी जिला के लिए गर्व और पूरे देश के लिए प्रेरणा बना हुआ है। मतलब हर साल 5,000 से लेकर 10,000 ट्रीज लगाने के लिए BBNDA में प्लान लिया जाता है। इस साल भी हमने अभी तक हम मतलब 3,000 से ज्यादा ट्री लगा चुके हैं और अभी मुहिम हमारी चल रही है जो कि विद इन वीक में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने विद इन लास्ट 2 या 3 डेज में अपना क्योट्रेक के प्रांगण के आले दुआले हमने 300 से 400 पौधे लगाए हैं, जिसके बीच में अपना बहुत ज्यादा हमने जो फ्लास वाले ज्यादा लगाए हैं और कुछ एरिया हमारा जो था जो मतलब कंप्लीट नहीं था तो उसको आज हमने कंप्लीट करने का प्रण लिया और हम कल से ही अपना वो एरिया भी आज साफ करा रहे हैं और शाम तक हमारा मतलब टारगेट है कि हम 300 से लेकर 400 ट्रीज यहां पे और लगाएंगे। और पिछले दिन हमने BBNDA के सामने जो अपना एक ऑलरेडी पहले वो पार्क डेवलप BBNDA ने किया था तो वहां पे भी बहुत ज्यादा घास वगैरह और वो लगी हुई थी तो अपना झाड़ियां वगैरह लगी हुई थी तो कल वहां पे हमारी टीम ने और हमने वहां पे सफाई करके वहां भी हमने 400-500 ट्रीज लगाए हैं। अभी हमारे पास 3,000 ट्रीज अवेलेबल हैं और वो भी हमारा है और अभी जो ये बद्दी का सबसे जो ये सबसे अच्छा एरिया है। कोई समय ऐसा था कि यहाँ पे मतलब कि इंसान के लिए निकलने का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, आज यहाँ पे आप देखोगे तो सभी तरफ ग्रीनरीज है और बहुत ज्यादा शाम को बर्ड्स यहाँ पे मतलब नजर आते हैं। अभी आप ये देखोगे सामने अपना बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। तो अभी हमारा बहुत जल्दी प्लानिंग है कि इसके आले दुआले हम जो है कि अभी हमने पौधे तकरीबन कंप्लीट कर दिए हैं दोनों तरफ पाथ पे और हम यहाँ पे ग्रिल्स लगाएंगे, पैनल लगा के वायरिंग कराएंगे कि कोई पशु या पक्षी वगैरह और जानवर वगैरह कोई नुकसान न पहुंचा। ये क्योट्रेक जो कंपनी है एसोसिएशन है, आप किसी के साथ मिलकर के काम करते हैं या इंडिविजुअली अकेले ही इस काम के लगे रहते हैं? अक्सर देखा गया है कि आप जब भी कभी ऐसे काम करते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के जो भी काम करते हैं, उसमें अक्सर आप खुद ग्राउंड पे खड़े होकर के जो है काम को देखते हैं, तो ये इसमें कोई और भी आपके साथ कुछ चैनल पार्टनर के बीच में सबसे ज्यादा ये बोल सकता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो कि अमित जी 2006 में बड़ा भाई रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे तो आज भी उनका नाम जिंदा है, उनको याद करके ही ये सारे काम किए जाते हैं, आज भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और टचवुड जितने भी ज्यादा हम ट्रीज लगाते हैं 95% से ज्यादा वो ट्रीज हमारे आज वृक्ष का रूप अपना कर चुके हैं, चाहे वो बद्दी में दशहरा ग्राउंड हो, चाहे हमारा HPS एडे में अमित इंडस्ट्री के साथ दोनों पार्क हो वो हमने डेवेल्प किया, फिर हमारा ये एरिया डेवेल्प किया, फिर हमने जो हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसके सामने दो पार्क हैं वो डेवेल्प किया। और आपकी एसोसिएशन अकेली है? हाँ जी, अकेली। तो आप ये जितनी भी अभी काम करवाते हैं जो BBNDA के अधीन जितना एरिया आता है उसी में करवाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे भी हमें कोई बोलता है कि चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जहाँ भी हमें कोई बोलता है कि यहाँ पे हमने ट्रीज लगाने हैं तो हम मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारा ये जो आप लगाते हैं पेड़ पौधे जो भी आप लगा रहे हैं जहाँ पे भी आप पार्क डेवलप कर रहे हैं उसके लिए कुछ आपने विशेष कोई टीम रखी है जो इसकी देखरेख करती है? हमारा ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जितनी भी टीम है वे 15 साल से हमारे साथ तत्पर होके 2006 में अमित जी का हैपन हुआ था तो 2007-08 में हमने जब ट्री लगाना शुरू किया था बद्दी में तो लोग हमें ये बोलते थे कि ये शायद में भी जैसे होता ना कोई इंसान मतलब ये क्या कर रहे हैं,
तो पर आज हम ये नहीं बोलते कि पर ये एक इससे बड़ा कोई भी एक अच्छा काम नहीं है। आपने पीछे देखा होगा कोविड में लोगों को टाइम पे ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं तो हर एक इंसान को बोलूंगा कि आज जो पीछे अभी इतनी ज्यादा कुदरती आफतें आई हैं, चाहे हिमाचल में आई हैं, चाहे कहीं भी आई हैं, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमारी एक बत्ती दांत होते हैं, बत्ती दांत के आगे हमारी कोई जाड़ जा कोई भी निकल जाती है तो आगे वो जो उसकी एज होती है वो तो मतलब कम हो जाती है। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि हरेक इंसान को ट्रीज बढ़ चढ़ कर लगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बद्दी से पवन कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।